एक सच बात कहो ना, आपकी गर्लफ्रेंड थी शादी करने के पहले या नहीं? कितनी गर्लफ्रेंड थी? अरे एक हो तो बताऊं। हाँ? ये सब सीरियस वीरियस नहीं, मेरे को सच में बताओ ना, हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स? नहीं कह रहा हूं। हाँ, सो से ना, हाउ मेनी? यू सी, स्कूल से शुरू हो गया था मैं तो। डॉक्टर डॉक्टर खेलता था। और डॉक्टर डॉक्टर के बहाने चेकिंग चेकिंग करते उनको चेक कर लेता था। स्कूल खत्म हुआ, डॉक्टर डॉक्टर खेलना बंद किया। उसके बाद कॉलेज में गया। जब कॉलेज गया तो मतलब क्लास में ज़्यादा कम जाता था, कैंटीन में ज़्यादा रहता था। डिस्कोटेक्स खुले थे उन दिनों में, तो खाली एक ही ख्वाहिश थी, पढ़ने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी कि यार कब मैं एक गर्लफ्रेंड को पटाऊँगा और डिस्कोटेक लेके जाऊँगा। अभी मैं बोला था हमारे फैमिली की परंपरा है एंटरटेन करना, लोगों से कनेक्ट करना, लोगों के दिलों को छूना। अब पता लगा ये क्या कनेक्ट की बात है। अरे मैं डॉक्टर डॉक्टर करके एंटरटेन कर रहा था ना यार। लोगों को कि अपने आप को? हाँ जी, लोगों को कि अपने आप को एंटरटेन कर रहे थे? पहले अपने आप को खुश करो बेटा। तो उसके बाद में दूसरों को खुश करो। तो कॉलेज में तो यू नो शुरू हुआ, तो तीन चार कॉलेज में भी थी, एंड फिर फिल्म इंडस्ट्री में 20-25 फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी लड़कियां गर्लफ्रेंड्स, मगर आई वाज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एंड शार्प, 10:30 शार्प। बोले आपका प्लान क्या? बोले मैं उठता ही 10 बजे हूँ। तो ये सब गर्लफ्रेंड्स रही हैं, एंड देन बट मैंने सोचा यार इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स है, बेस्ट तो यार यही है सुनीता इन सब में। मुझे ये डर लग रहा है कि अरे मेरे को लेट मी कंप्लीट, डोंट, जब बड़े बोलो तो बीच में, बुजुर्ग बोले तो छोटे बात नहीं करते। तो मुझे लगा यार यू नो आई शुड यू नो शी वाज माय फ्रेंड एंड शी बिकेम माय गर्लफ्रेंड एंड देन आई मैरिड हर, देन आई हैव 3 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन फ्रॉम हर एंड वी आर टुगेदर सिंस द लास्ट 43 इयर्स। Thank you.